हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनबिता। आज बनाने जा रही हूँ श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद स्टॉक परवल रेसिपी। इसके लिए यहाँ पे परवल मसाला थोड़ा ली हूँ, दूध, नारियल, हल्दी, नमक, गुड़, हींग। परवल का ऊपर और नीचे के पार्ट कट कर ले और चाकू की मदद से घिस ले। इसका छिलका निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे सारे परवल को कर लेंगे। इसे पानी से अच्छे से धो ले। पर्पल को 3 से 4 कट लगा देंगे ताकि अंदर तक मसाला जा सकते हैं। इस तरह सारे पर्पल को कट लगा देंगे। हम यहाँ पे स्टॉक पर्पल बना रहे हैं तो इसे कट नहीं करेंगे। मसाला में लेंगे अदरक, काली मिर्च, जीरा, सौंफ, बड़ी इलायची, ग्रेटेड किए हुए नारियल। मिक्सर जार में सभी मसालों को डाल दे, नारियल को डाल दे और थोड़ा पानी देकर पीस ले अच्छी तरह। हमारा पेस्ट बनके तैयार है। एक मिट्टी के बर्तन ले जाएंगे, परवल को डाल दे, स्वाद अनुसार नमक डाले, हल्दी पाउडर डाले, पिसे हुए मसाला पेस्ट को डाल दे। यहाँ पे फुल फैट दूध ली हूँ। दूध को अच्छी तरह गर्म कर लिया है, ऊपर मलाई जम गया है। थोड़ी देर बाद गुड़ और हींग का यूज करेंगे। इसे थोड़ा हिला दे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मंदिर में चम्मच यूज नहीं करते हैं और इसे कवर नहीं ढकते हैं, इसलिए हम खुले में कुक करेंगे। 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। परवल थोड़ा कुक होने के बाद गुड़ और हींग में थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर ले। मिट्टी के बर्तन में थोड़ा कुकिंग प्रोसेस टाइम लगता है। आप चाहे तो कवर ढककर भी कुक कर सकते हैं। देखिए हमारा परवल कुक हो गया है। अभी ऊपर से देसी घी डाल दें। गैस फ्लेम को बंद कर ले। अभी कवर ढककर कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ दे। देखिए आधा घंटे के बाद मिट्टी के बर्तन पानी सोख कर लिया है। हमारा मंदिर में बनने वाला स्टॉक परवल रेडी है। मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इस रेसिपी मंदिर में बनते हैं मगर प्रभु श्री जगन्नाथ के पास भूख नहीं लगते हैं।